ब्लॉगर्स इस प्लेटफॉर्म से प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को आगे लाया जाए, पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए। लेकिन क्या पाकिस्तानी ब्रांड्स इस काबिल हैं कि हम मुफ्त में इतनी प्रमोशन करें उनकी? एक्चुअली पाकिस्तानी ब्रांड्स का नखरा और एटीट्यूड इतना हाई लेवल का है कि अगर ये किसी ड्रामा एक्ट्रेस को या इन्फ्लुएंसर को चंद हज़ार रुपये दे के अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाते हैं तो ये उनकी वीडियोस को हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेंगे, इवन के उनके एड्स भी चलाते हैं। लेकिन अगर 50K प्लस फॉलोवर्स वाली ब्लॉगर भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके इनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदती है, यूज़ करती है और एक अच्छा रिव्यू देती है, अच्छी बातें करती है इनके प्रोडक्ट के बारे में, इन पाकिस्तानी ब्रांड्स के अंदर इतनी आला ज़र्फ़ी नहीं है कि उसकी पोस्ट पे एक लाइक भी कर सकें या उसने जो स्टोरी लगाई है उसको रीशेयर भी कर सके। आई डोंट नो इनकी क्या घटिया थिंकिंग है कि शायद इनके फॉलोवर्स चले जाएंगे उनकी तरफ या कुछ भी हो जाएगा। तो आप लोग बाहर के किसी बहुत हाई एंड ब्रांड की भी स्टोरी 2% की चीज़ लेके भी लगा देते हो ना, जैसे मेबेलिन, गार्नियर, ETC, तो ये लोग एक तो स्टोरी को रीशेयर करते हैं, इवन के आपको इनबॉक्स में उस स्टोरी के नीचे एक जो कॉमेंट भेजते हैं ना वो भी भेजते हैं नाइस। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके मिलियंस पे फॉलोवर्स हैं और वो किसी की स्टोरी रीशेयर कर रहे हैं, चाहे न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड ही क्यों ना हो। 10-10 रुपए की ट्यूब्स पीछे से भरवा के 2-2 हज़ार, 2500-3000 की आप लोगों को सेल करते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही रियल और शेमफुल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड की ही, ऑर्गेनिक ब्रांड से मशहूर है। आई डोंट नो, अल्लाह जाने इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं भी या नहीं है। छोटी छोटी सी डिबियाँ 2500-3000 की हैं। एक फेलो ब्लॉगर है, उसने इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाई की और लोग उससे पूछ रहे थे कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। टैग करके स्टोरी में लिख भी रही थी कि भाई इस ब्रांड का ये चीज़ यूज़ करें बहुत अच्छी है। मजाल है उन लोगों ने उसकी स्टोरी को एक बार भी रीशेयर किया हो या उसकी पोस्ट पर एक लाइक भी किया हो। अब कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं कि एक कोई न्यू ब्लॉगर है, और अल्लाह जाने ब्लॉगर थी क्या नहीं थी, मैं उसके पेज पे जाके देखा 699 उस लड़की के फॉलोअर्स थे। उसकी पोस्ट को रीशेयर किया गया अपनी पेज के ऊपर और वो पोस्ट क्या थी, बाकायदा उसको पिन भी किया गया कि हर बंदा आके ये पोस्ट देखे। और वो पोस्ट क्या थी, उस लड़की ने नेट की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे से उसके तमाम अंडर गारमेंट्स दिख रहे थे और वो यूं करके एक पोज दे रही है और उस प्रोडक्ट को शो करिए। प्रोडक्ट दिख भी नहीं रहा, बाकी सब कुछ दिख रहा है। और बाकायदा प्राउडली उस ब्रांड ने उस लड़की की सिर्फ एक पिक्चर, जिसने कुछ बोला भी नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं की, कोई अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए, उसको पिन करके उसकी पोस्ट को अपने पेज पे लगाया गया है। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बॉडीज़ दिखा रहे हैं। और जब हम कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं किसी ब्रांड के, डेफिनेटली हम ब्लॉगर्स की भी एक लालच होती है कि हमें फॉलोवर्स मिलेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी, हमारे पास काम आएगा। इन ब्रांड्स के साथ काम किया है, मेरे पास मेल्स पड़ी हुई हैं उन कोरियन ब्रांड में, उनसे खुद अप्रोच किया है एंड उन्होंने मेरी स्टोरीज भी लगाई, उन्होंने मेरी पोस्ट भी शेयर की। भाई इतनी आला ज़र्फ़ी है और पाकिस्तान में इतने कम ज़र्फ़ ब्रांड्स हैं। मेरी इस बात पर गौर ज़रूर करना, और अगर आप लोगों को लगे कि मैंने बिल्कुल सही बातें की हैं तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।